साक्षी रखते हुए परम श्रद्धेय महाराज की अनुमति लेते हुए मैं छोटी मोटी बातें रखूंगा। मेरी बात छोटी होगी लेकिन मोटी होगी। मैं यहां दार्जिलिंग पहाड़ के एक विधानसभा कर्शियांग से आया हूं और मैं आज बहुत खुश हूं। ये दूसरी बार है, ये जो कन्वेंशन है चिल्लारोई की, जो जयंती है, ये दूसरी बार मैं प्रोग्राम में आया हूं। इससे पहले मैं धुबड़ी में जो प्रोग्राम हुआ था वहां आया था। 513 महावीर चिल्लारोई की जयंती पर महाराज के इस कार्यक्रम को देखकर मैं प्रेरित हूं। प्रेरित इसलिए हूं कि ये आज देखिए, ये कुचबिहार में जहां खड़ा हूं, ये सिद्धेश्वरी, ये भूमि किसकी है? राजवंशियों की। ये जमीन राजवंशियों की। और चिल्लारोई किसके जननायक हैं? राजवंशियों। लेकिन हमारी मिट्टी से हमारे इतिहास को मिटाने का षड्यंत्र बरसों से होता आया है। हमारे इतिहास में यह पढ़ाई नहीं जाती है। मैंने भी बंगाल में ही अपना शिक्षा लिया, लेकिन कभी भी किताब में मैंने चिल्लारोई को नहीं पढ़ा। ये बहुत दुख की बात है। बड़े होने के बाद जब मैंने सुना चिल्लारोई के बारे में, वो भी कैसे, जब एक दिन मैं गुवाहाटी घूमने गया था, वहां घोड़े पर सवार एक मूर्ति को देखा और मैंने पूछा कौन है ये, तब वहां किसी ने मुझे बताया चिल्लारोई है। उसके बाद मैंने उनके बारे में जानने का, उनके बारे में समझने का प्रयास किया तो पता चला आज चिल्लारोई को यहां पढ़ाया नहीं जाता है, लेकिन चिल्लारोई को विश्व के विभिन्न देशों में जाना जाता है। मेरे एक विदेशी दोस्त मुझे बता रहे थे जर्मनी में चिल्लारोई का स्टैच्यू है, इंग्लैंड में उनको पढ़ा जाता है, लेकिन हमारे ही देश में, हमारे ही राज्य में उन्हें पढ़ाया नहीं जाता। और आज श्रद्धेय महाराज की कृपा से कई वर्षों से मैं देख रहा हूं, वो जो इतिहास को मिटाने का प्रयास किया गया था, वो इतिहास धीरे धीरे अपने पैरों पर उठता हुआ देख रहा हूं मैं आपके सामने। आज मैं यहां क्यों आया? इतने दूर से सवेरे 5 बजे वहां से चला था मैं। 5 बजे चलने के लिए मैं 3 बजे रात को उठा था। क्यों? क्योंकि समय ने जो थपेड़ा मारा है आपके गाल पर, जो निशान है वही निशान हम गोरखा भाइयों के गाल पर भी है। हमारे इतिहास को मिटाया जा रहा है, हमारी भाषा को मिटाया जा रहा है, धीरे धीरे हमारे जमीन को रौंदा जा रहा है। हमारी बस्ती, कल की हमारी बस्ती आज किसी और की हो चुकी है, आज की हमारी बस्ती कल किसी और की बनाने की साजिश रची जा रही है। इस साजिश से इस पूरे क्षेत्र को मुक्ति देना होगा। इसीलिए ग्रेटर कुचबिहार पीपल्स एसोसिएशन जिस मकसद से जन्मा है, जिस मकसद से पैदा हुआ है, उस मकसद को मैं सलाम करता हूं और उस मकसद को मैं समर्थन करता हूं।
मैंने विधायक बनने के बाद शायद इतिहास में पहली बार होगा बंगाल की इतिहास में मैंने विधानसभा के अंदर कहा कि हम बंगाल में रहना नहीं चाहेंगे, ये परम सत्य है और हमें बंगाल से अलग अपना कौम अपना स्वाधीनता हमसे कोई नहीं छीन सकता है, ये होकर रहेगा। और इसे करने के लिए सबसे जरूरी चीज क्या है? सबसे जरूरी ये है कि यहां पर जितने भी यहाँ के परापूर्व काल से रह रहे पुरातन काल से रह रहे जितने भी यहाँ की जातियां हैं, राजवंशी, गोरखा, मेठ, टोटो, राभा, डुप्पा, भुटिया, लिपचा, हमें आपस में तोड़ने की साजिश होती है, हमें इन साजिशों से बचना चाहिए और हम एकजुट होकर हाथ में हाथ मिलाकर कंधे पर कंधा मिलाकर आगे बढ़ना चाहिए। हमारे विजय निश्चित है। उस विजय को सुनिश्चित करने के लिए आज हम यहां आए हैं। मैं महाराज को आभार प्रकट करता हूं कि आपने हमें यह सम्मान दिया, मुझे न्योता दिया, यहां बुलाया और चिल्ला रोय की समाधि पर और प्रतिमा पर जब मैं माल्यार्पण कर रहा था, जब वो लाठी ऊपर जा रही थी, तब मैं मन ही मन प्रतिज्ञा कर रहा था कि हमें एकजुट होकर अपने मकसद के लिए लड़ना चाहिए और ये एकजुटता नहीं टूटेगी। मैं आज इससे ज्यादा कुछ बोलना नहीं चाहूंगा, कभी बोलने के लिए ही आऊंगा उस दिन बोलूंगा। आज आपने मुझे सम्मान किया, सम्मानित किया, यहां बुलाया। आज हमने एक खिचड़ी खाया यहां साधारण सा। ये खिचड़ी भविष्य में होने वाले विजय का विजय प्रसाद था, ये समझकर मैंने ग्रहण किया। आप सबको मैं आभार प्रकट करता हूं और मुझे एक चीज मैं कहते हुए माइक को छोड़ना चाहता हूं। आज आपके सामने इतने भीड़ को जोड़ने के लिए, दूर दराज से विभिन्न राज्यों से राजवंशियों को जोड़ने के लिए, विदेश से भी राजवंशियों को जोड़ने के लिए जो जोड़ने का ग्लू चाहिए, जो नट होता है, वो नट और कोई नहीं, महाराज अनंत महाराज है। और इस दुनिया में अनंत महाराज एक ही है, दोबारा दूसरा नहीं होगा। इनके जो समर्पण है, इस समर्पण को रखते हुए, इसको आदर करते हुए, सम्मान करते हुए आप सभी को आगे बढ़ना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। और हम भी चाहते हैं हमारी तरफ से, गोरखा भाइयों की तरफ से, कि हम एक बद्ध होकर आगे बढ़े, हमारा लक्ष्य हासिल हो। इतना कहते हुए मैं आज इस मंच से विदा लेना चाहता हूं। जय शिव चंडी, जय गोरखा।